एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी काफी चर्चा में बनी है। फिल्म को लेकर कोई ना कोई विवाद हो ही रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंगना की फिल्म को लेकर कोई विवाद हुआ हो, लेकिन आज आपको बताते हैं कि इमरजेंसी के अलावा भी ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट को टाल दिया गया है। आपको बता दें, कंगना की फिल्म इमरजेंसी पहले 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन कंट्रोवर्सी के चलते इसकी रिलीज डेट टल गई। उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनकी रिलीज एन मौके पर आके बदल दी गई। देख रहे हैं आप A1 एंटरटेनमेंट और सुन रहे हैं आप मुझे, मेरा नाम है मेघा, सबका स्वागत, नमस्कार। कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेट नहीं मिला और इसकी रिलीज डेट टाल दी गई। इमरजेंसी के अलावा हमारे 12 अनु कपूर की फिल्म 21 जून को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर भी काफी विवाद हुआ था और रिलीज से कुछ दिन पहले 2 बार इसकी डेट में बदलाव किया गया था और तब जाके 21 जून को ये रिलीज करी गई। एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा, ये फिल्म 19 जुलाई को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म की रिलीज डेट में एन मौके पर बदलाव कर दिया गया। रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल की रिलीज डेट भी एकदम से बदल दी गई थी। यह फिल्म 2023 में 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 1 दिसंबर 2023 को रिलीज करा गया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 पहले 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। मेकर्स ने अचानक ही फिल्म की रिलीज डेट बदलने का फैसला करा और अब ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज हुई। सिंघम अगेन, अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट फिलहाल बदल दी गई है और ये अब दिवाली के अवसर पर रिलीज करी जाएगी। जजमेंटल है क्या, कंगना रनौत की ये फिल्म भी काफी कंट्रोवर्सी में घिर गई थी, इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। ये फिल्म 26 जुलाई 2019 को रिलीज करी गई थी, लेकिन ये इसकी दूसरी डेट थी। इससे पहले इसे किसी और डेट पर रिलीज करना था और आपको बता दें, पहले इस फिल्म का नाम भी ये नहीं था, नाम में भी बदलाव करे गए थे। वैसे कंगना का और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है, या यूं कह लीजिए जहां पर कंगना जाती है वहां पर विवाद चले आते हैं। आपको इन फिल्मों में से किसकी रिलीज का सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। A1 एंटरटेनमेंट में यहां तक हमें सुनने के लिए धन्यवाद।